हाँ विरहा जगत के प्रेमियों, ये रिकॉर्डिंग कैसेट अरविंद दीवर द्वारा जो आप सुनेंगे वो रामायण का निचोड़ है। रिकॉर्डिंग आप बहुत सुने हैं, रामायण बहुत सुने हैं, विरहा बहुत सुने हैं। एक मेहरारू का मुकाबला बा, औहर से मेहरारू बनवास गई और मनसेधु लड़के लंका से वापस आया लेकिन अयोध्या नहीं पहुंचा। कहना हो चल भूमिका में देखेंगे आप के सर समर कर के रघुबर विजय प्राप्त की, कोकिला कूक कर गीत गाया सही, राम की जान की जान की जान से सत्यव्रत को नल में निभाया सही, अग्नि ने बास कर खास सीता सती, लाज साजन की अपने बचाया सही, लौटे भगवन भवन मन मगन जल के जन छू के लहरी चरण गीत गाया सही। एड़ो गजल का टुकड़ा बा मास्टर साहब, एक जे हीरो अपनी हीरोइन का इशारा करता कौ वाली का लाइन में, हाय 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 दिलरुबा, अरे दिलरुबा ये दिल्ली की प्यार का तकाजा है। ये तो लाइन पुरान होगी गावत गावत, लेकिन और भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम आप गौर करेंगे कि जैसे 24 अवतार में अवतारी पुरुष गिने गए, अयोध्या के जैसे राम का नाम पड़ा वैसा किसी देवता का नाम नहीं पड़ा। पुरुषोत्तम मर्यादा का मतलब याद समझें, संस्कृत में अगर संधि विच्छेद कर दे तो पुरुष धन उत्तम होगा। पुरुष धन उत्तम का मतलब पुरुषोत्तम आओ मिलके वो बन जाएंगे। वही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अपनी मर्यादा को रखते हुए रावण कुमार के विभीषण को राज तिलक किया और अपनी सेना को लेकर अयोध्या वापस की। तो लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, एक पुष्पक सजाए लेके सेना है राम किस किंधा पे आए हैं, मित्र सुग्रीव को हंस के गले लगाए हैं। भगवान राम एक बात और समझ ला, भगवान राम सुग्रीव की विदाई करने के लिए किस किंधा पर्वत पर आ गए और सुग्रीव को विदा करके भगवान गले से लगा के और सुग्रीव से कहने लगे, मेरे साथ तू साथी ये क्या उपकार किया, मेरे कारण ये घर द्वार को भी सार दिया, मेरे कारण घर द्वार को भी सार दिया, मेरे कारण मेरे ही कारण सब घर द्वार को भी सार दिया। तभी हनुमान के बाबा हनुमान जी देखे कि भगवान राम हमके बहुत मानत रहे लेकिन आज सुग्रीव का इतना बड़ा ऊंचा पीढ़ा देते हैं। अरे हाथ भर से ज्यादा मास्टर, देखा बगल में लेडीज पार्टी बनाई मतलब गड़बड़ हो जाए, की बहुत मानत रहे और विदाई करते करते जब रो दिए भगवान तो हनुमान भी रोने लगे। तभी हनुमान के नैनों से बहाय नीर लगे, लगा के छाती से तब पूछने रघुवीर लगे, लगा के छाती से कहीं प्रेम भरी बतिया कैसे बिसराए हैं। भगवान राम पूछे लगे हनुमान जी से कि हनुमान काहे बदरोया,
हनुमान के है मालिक, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता दोस्त। हनुमान को मतारी की याद आ गई, भगवान राम से बता दिया। भगवान राम पूछा कि तुम्हारी मतारी इंद्रनी कहाँ पर होगी? हनुमान बताया कि इस वक्त गंधमादन पर्वत पर विराजमान होगी मालिक। भगवान सुग्रीव को विदा किया और सुग्रीव से आप टीवी सीरियल पर देखे होंगे कि सुग्रीव को विदा करते करते राम वचन दिया था द्वापर में मिलने के लिए, और कृष्णावतार में अपनी लड़की को भी यानी अर्पित कर दिया था मणि के साथ साथ, वरदान वही था। भगवान पुरुषोत्तम राम जब किष्किंधा पर्वत से गंधमादन पर्वत पर चलते हैं तो विराह जगत में तेरी का भाव लगता है। अरे राम भी मनवाय आकाश में उड़ा, माई अंजनी का करे बरे दर्शन, मनवाय आकाश में उड़ा। गंधमादन पर्वत पर आए, बगली बैठे पवन कुमार। गंधमादन पर्वत पर आ गए। हनुमान जी कहा मालिक बस यहीं पर मेरी मां अंजनी होंगी। बगल में सहसा होता लक्ष्मण जी गौर कर रहे हनुमान और राम की बात पर। मन में सोच समझ कर बोले राम के भाई से सायमता, बड़ा प्यार माता का पाया, साथी तुम रो पवन कुमार। गंधमादन पर्वत के ऊपर प्रभु विमान को दिया उतार, बड़वा गंगा घाट पे मुरैला। भगवान मर्यादा राम विमान को उतार दिया, वाह। अंजलि से दर्शन करने के लिए हनुमान को भेज दिया। हनुमान जी पहुंचते हैं माई अंजनी की गोद में लिपट गए। अंजनि पूछा कि कौन हो? हनुमान जी कहा मैं आपका पुत्र हूँ पवन कुमार। अंजनी में तारी टोवे लगी कि बेटवा कहाँ रहा इतना दिन? बोला बड़ी मजे का बात है आपको सुने के मिले, राम लक्ष्मण जी सुन रहे हैं बगल खड़ा होके। अंजनी को मालूम नहीं भी कि राम लक्ष्मण भी आए हैं साथ में। और हनुमान जी बताओ लगे कि मैया हम कहाँ रहे, हम तो से बतावत ही ब्रह्मा जगत के झूमर तज मिले आपको लाइन में सुने। कहे सौजो जन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सौजो जन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार। अंजनी कहा बिड़वा का करे बदे? कहा मैया अयोध्या के राम और लक्ष्मण जी उनके दुल्हन जानकी जी तीनों जन का वनवास हो गए, हम उन्हीं के साथ में भ्रमण कर रहे मैया और उनके दुल्हन का रावण चुराए लेके लंका में। देखा बहन जी से बताए कि सीता जी वनवास गए रही, तो वहां से लौट के आ रही तब वनवास गए रही, लेकिन नन्हरे का पकड़ाए कहीं पक्की कोई लिया, सीता जी का थोड़ो भरी लगे रहन। अरे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम तो नहीं गए लक्ष्मण से कहा लगे जब खरदूषण का मारे लगे तब तब अलग करो। ये सीता जी का संकेत किया कि सीता जी देखो लक्ष्मण जान न पाए, लक्ष्मण से बता दिया खरदूषण को मारना है तुम लेके छिप जाओ, और सीता से कहा कि जब लग करो निशाचर बासा तब लग करो यज्ञ में। सीता जी अग्नि में बास कर तो नहीं, चार लाइन की भूमिका में आप सुने हैं राम की जानकी जानकी जान से सत्य व्रत को अनल में निभाया सही, लौटे भगवान भवन मन मगन जन के जन छू के लहरी चरण गीत गाया सही। ये बात और सीता जी के संकेत इधर और लक्ष्मण जी खड़े हैं और भगवान से देखना जात लक्ष्मण का मस्करी। लक्ष्मण सोचते है कि हनुमान अपने ही बड़ाई करी है आप, और सही हनुमान बतावते हैं अंजनी से कि माई सौ जोधन समुद्र हम पार गए, जब सीता के हर लेके रावण तो हम ही खोजे गए और केहू के हिम्मत ना रही। बताओ दी झूमर में कि सौ जोधन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सिया सुधलाई के आवा भगवान के समान आवाना।
पिताजी की खबर आई थी राम के बताई यहाँ, तो रामचंद्र जी वही अपनी सेना ले जाए बदे कहा कि तो भगवान है लेकिन पुल बांधे रहे पत्थरे के, हम मैया वैश्य डांग रहे। सौ योजन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सिया सुध लेके आवा भगवान के समानावाना, तब से तू बाध बधवाई सागर पार गए रघुराई, हो गई कठिन लड़ाई सुन लिया मरी माया नावाना, लखा मेघनाथ बलवान लखन का मारे सती बाना, विकल भगवान हो गए लंका दारी में नावाना, हे माई लालमी है तो हाल लिया इस धौला गिरी उखाड़, खुशी सरकार भयन जब जी गए दिन वीर नावाना, कहा कि बहुत दिन साथी रहे भगवान राम के, सुग्रीव के अपन अध्यक्ष बना रहे, लक्ष्मण अपने भाई के शेषाए उतार बताओ तो रंगी शेष ना के उतार मैया, लेकिन जब इतनी लड़ाई होने के बावजूद लक्ष्मण जी का शक्ति बाण मार दिया राम के बेटवा, और रावण के बेटवा मेघनाथ मार दिया राम विकल हो गए, उस वक्त मैं धौलागिरी को खार के उनको जिलाया मैया, ना ही लक्ष्मण महाराज मुहबाई लंका में पड़ा रहते, यही बतिया लक्ष्मण सुनते हैं राम से कहें की बहुत बढ़ाई दिया कर बंदरे का तू, कहें शांत रहा पहले के बाद सुना समझाओ की, कहे भैया इतने तक नहीं एक समय में राम लक्ष्मण दोनों गायब पे जैसे राक्षस, एक समय यही राम आई राम लखन का लेह चुराई, जाके पतालपुर मा तैया आपा थाना, यही बिन निश्चर हसुदानी रावण कुंभ तोड़े अभिमानी सीता रानी का लेके लौटे भावाना वाना, इतना रामायण हो गया लंका में और वहीं अयोध्या नहीं पहुंचे, महतारी अंजनी सुन के बात हंस दिया, यहाँ पर एक निचोड़ बात बा, अंजनी मैया कह लगी कि हनुमान तू बहुत गलत है, अगर तू चाहता तो रावण को मार के और सीता को लेके साथ में चला आता, क्यों इतना बड़ा सेना मारी जाती, ये होता बिडवा नीर होता जग में सबसे वीर तो हार गया। इलाहाबाद जिले में बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकार जैसे स्वर्गीय भुल्लुर उस्ताद, स्वर्गीय भोला उस्ताद और अभी मौजूद गायक में बाबा दीन उस्ताद, ये सब गाते थे विरह में कड़ी में कि पिए होता बेटवा नीर, अरे होता जग में सबसे वीर तू तो हार गया, होका बांधन लसरिया में हार गया, होका बांधन लसरिया में हार गया, होका बांधन लसरिया में हार होका बांधन लसरिया में हार गया, ए हनुमान हम तोहके सब जाने थी कितना मर्द बाटा तू, ई बात सुन के हनुमान जी लज्जित हो गए, कहे मैया हमके बांध नहीं देन, वो ब्रह्म फांसता ब्रह्मा का मुझे आदर करना पड़ा माँ, जो मेघनाथ मुझे बांध के ले गया था, मुझे बांधने वाला कौन था, मैंने ब्रह्मा का अपमान नहीं किया माँ, इसलिए बल्कि रावण के सामने चला गया। ई बात सुन के लक्ष्मण महाराज जी हंस दिए, लक्ष्मण महाराज जी हंस दिए और कहने लगे, राम से कहने लगे कि भैया ये हनुमान जी अपनी कितनी बड़ाई कर ले गए, इनके मतारी कहा था कि दूध पिए होता तो दुनिया में सबसे वीर होता, ये बोला जिनके दूध में कितनी बड़ी ताकत बा, यही पर अंजनी के कान में इस शब्द पड़ गए, और कहा बेटवाई के बोलते कहे राम लक्ष्मण कहन की कौन दूध की बात करते, कहे लक्ष्मण महाराज, अंजनी माई गुस्साई गई अपने दूध की ताकत दिखाई भगवान राम के सामने, चोली का बंदा फाड़ दिया अंजनी, चोली का बंदा फाड़ दिया और कहा लखन देख मेरे दूध की ताकत, राम कहे अब मामला गड़बड़ हुई है, अंजनी क्रोध में आ गई है, चोली का बंदा फाड़ दिया असतन तब पकड़ दबाया है, चली दूध की धार यार मानो कोई बज चलाया है, अंजनी मैया चोली का बंदा फाड़ दिया और
दूध की धार निकल पड़ी बाबूजी। देखा दूध की धार निकली तो गंधमादन पर्वत के सामने दो शिखर हैं, शिखर यानी दो चोटियां पर्वत की, और दोनों चोटियों पर एक एक धार का सामना लगा दिया। जबकि अंजनी की आंख नहीं है, लेकिन दोनों चोटियों पर उसकी धार पड़ती है और राम देखते हैं। चली दूध की धार यार, मानो कोई वज्र चलाया है। अरे पर्वत के दो शिखर सामने जब धार जाए चकराया है, तब चूर चूर हो गया शिखर रघुवर तब बहन सुनाया है। चूर चूर हो गया शिखर रघुवर तब बैन सुनाया है। भगवान राम जब देखा कि अंजनी के दूध से पर्वत के शिखर एकदम राख हो गए, हाय हाय हाय, रामचंद्र जी आकर के अंजनी माई के पांव पर पड़ गए, मैया क्षमा करना, ये लक्ष्मण बहन लड़का है, नादान है, माँ तुम महान हो, इनको क्षमा कर दो। अंजनी माई पूछे लगे तू कौन? भगवान कहा मैं बहुत छोटा जिसका नाम राम। मैं अंजनी, आपका नाम 3.5 अक्षर का बा, हमारा 2 अक्षर का बा, आप में वैसे महानता बा। अंतिम लाइन में आपको सुनने के मिले, अरे हाथ जोड़ के कहे लगे भगवान बड़की माई हो। दिखाई आप लोग न समझ लिया कि लाल जी कहते हैं कलावती देवी के बड़की माई, यह बिरहा में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहे। हाथ जोड़ के कहे लगे भगवान बड़की माई हो, लक्ष्मण वही बाटल बहु नदान बड़की माई हो। माँ हम महान है, तेरे दूध की धारा से पर्वत गैले अच्छी तरह आई हो, महिमा कौन कह सकता है करी बड़ा आई हो। अरे जकरी कोख में पैदा भय हनुमान बड़की माई हो, लक्ष्मण वही बाटन बहु नदान बड़की माई हो। करी कोख में पैदा भय हनुमान बड़की माई हो, और लक्ष्मण वही बाटन बहु नदान बड़की माई हो। अंजनी मैया को शांति आ गई बाबूजी। अंजनी मैया राम की बात सुना तब कहा पुरुषोत्तम मर्यादा राम, तुम्हारी बात से मेरा कलेजा गदगद हो गया, यह लखन तुम्हारा बहुत बेईमान है बेवकूफ है, लेकिन बच्चा समझ के माफ कर दिया इसे। तब भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अंजनी से विदा लेकर के अपनी अयोध्या नगरी को पधारते हैं। बाबा माँ अंजनी से विदा होकर के भगवान राम अपनी सेना लेके अयोध्या की तरफ चल दिया। कभी को लिखना पड़ा अंतिम भाव में, अरे अवध की नगरी, अरे अवध की नगरी हो, अवध की नगरी राम, अवध की नगरी तो चली भर सीता के सजनवा, अवध की नगरी देवतारा हनिहार को बाटन आवत हुई है राम, राम बिना
अरे यवधपुरी में नाही मिले आराम बाबा सदिन सोच में मयनवा अवध की नगरी ओहर माई कौशल्या तड़पत हई 14 साल हुई के भगवान राम आवत हुई है देवता राह निहारत हैं यहाँ पर एक बात और आपको मिले कि भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे थे तो यहाँ पर सवाल उठा कि कौन कौन रोया कौन हंसा कहीं कहीं गायक लोग गाते हैं कि पूरी अयोध्या में उदासी छा गई थी पूरा अयोध्या नगरी रोत रही लेकिन अयोध्या नगरी नहीं रोत रही अयोध्या नगरी पावन भूम हंस रही थी इसलिए कि भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम वनवास जा रहे हैं अब राक्षसों का संहार होगा और धर्म का उद्धार होगा बाबू जी तो यहाँ पर देखा कौशल्या मैया बेहोश है कैकेयी माई के धड़कन बढ़ गए 440 वोल्ट का करंट पैदा होत बा बाप रे बाप वो तो 14 साल के बाद राम फिर आएंगे बा मामला आगे बढ़ जाए कि हम ही एक लंकी भाई हाय हाय अवधपुरा में पहुंच गए जब रामचंद्र अवतारी खबर पा गई बिड़वा के जब कौशल्या महतारी तड़पेला दुइनौ नयनवा अवध की नगरी तड़पेला दुइनौ नयनवा अवध की नगरी देवता खुशी मनावत भैले देवता खुशी मनावत भैले देखे पवन कुमार नगर निवासी जुट गए तब होता जे जे कार बरसे न भसे तब सुमनवा अवध की नगरी अयोध्यापुरी में जय जयकार हो रहा है भगवान राम गुरु महाराज से मिलकर के बड़ा आनंदित हुए जबकि गुरु की बात भी नहीं माना था वनवास जाते समय इसलिए कि माँ बाप को सबसे ऊंचा स्थान दिया था इसलिए माँ बाप की बात मान करके वो अयोध्या से और लंका गए थे अंतिम लाइन में कहना होगा कि गुरु भोला गुरु बाबा जी ने कहे धन्य धर्म की माया कथन किया है सरजू राम गुरु ने कुराम सजाया अरे बिमन वाय आकाश में उड़ा लहरी लाल जी चूमे अंबे का चरणवा बिमन वाय आकाश में उड़ा कभी होए न मुहल्ले में हल्ला के मरिया न खटका ना कभी मुहल्ले में हल्ला की मरिया न खटका दुलहिनी का पति परदेश में रहे वाह वाह फागुन लागे वाला रहे वाह दुलहिनिया के देवर पहुंचा खींचने पूरे कहे भौजी भौजीवा कहे काब कहे भैया के चिट्ठी उठी नहीं आए वाह हंसते हंसते खटीवा पे बैठ गए भौजीवा बगड़िया बैठ के बतावे ला कि देवर भेजा तो लेकिन चिट्ठिया नहीं आए देवरवा कलैया पकड़ ले तब भौजीवा कहा तो कभी होए ना देखा ऐसा बात हो के देखे ना पड़ोसी समहारा हो राम बाबू मास्टर साहेब नहीं अपने कलावती देवी कुछ समझ जाए कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया न खटकाना कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया न खटकाना कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया न खटकाना कहे तब होगी कहा देखा कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया मत खटकाना दरवाजे पे कहीं जब आवाज सामने देखा साइन बोर्ड तो पिछवाड़े से काम बने दरवाजे पे ताला है लल्ला पिछवाड़े तड़े आ जा रिकॉर्डिंग में कुछ अलग हिसाब से कलाकार गाए हैं ग्राहक जगत में हम लोगों ने कुछ अलग लाइन से लिए हैं। बाबा आज भी दुल्हन अलग बात बता भगवा
सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती, सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती, सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती। लाल बत्ती बड़ा खतरनाक हो तो लाल बत्ती पर रुक जाए खोच, लेकिन ये कर लाल बत्ती चालू बा। सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती, सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती, सौतन के घर का गा बोले लाल जले जब बत्ती। या गए परदेश कमाने 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 कमाने, वो परदेश कमाते वह खतरा होत बा। पिया गए परदेश कमाने और मिटा दी मेरी हस्ती रोए सारी रात, रोए रात रात, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तबा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तबा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तबा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तबा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तबा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला उठा जा। हाँ बाबा जी, देखें लाल जी के कलावती देवी के बीच में विरहा का प्रोग्राम लोग गीत गवा, आप लोग बैठ के कायदे से मनोरंजन ले, बहुत अच्छे प्रमाण कितना बढ़िया गाए हैं। वाह खलीफा, देखा दूसरा वनवास, पहला वनवास तो दुनिया गावत है, लेकिन हर तीसरा वनवास बा, राम लक्ष्मण के बीच में बा, सीता जानकी के बाद बा, लेकिन वही लंका से लौटार के जब भगवान ले आवत थी सीता के, तो देखा कैसे बात हुई। ये बोल बोलता हूँ सर, बोलता हाय हाय, तो लौट कर लंका से सीता जब आई तो माया की जाली बिछाई है सांता, लगा के तिरिया जाल तत्काल पापिन तो शेषा पीन बंदिता ढहाई है सांता, लिख कर चित्र रामण को भाभी दिखा दे, मिटा दे मेरा भ्रम भुलाई है सांता। वाह भैया, देखे बाबू जी लौटार के जब रमणबा के लगे से भगवान सीता का लैया तो ननद भौजाई के बाद बा, लाल जी तनिक ध्यान के इधर सुने जाए, कहत का है ननद, कहत बा कि भौजी इतना दिन तू रमणबा के साथे रहू ओकर सकलिए तनिक हमका बना के दिखा दे कि कैसे रमणबा रहा, लेकिन सीता माता कहत है का कि जैसे गुजारे हो तो बात दूसरे पे, लेकिन हम रमणबा का सकल ना देखे, खाली दहने हाथ का अंगूठा देखे ही, कहा तो वो उतना बना के दिखाई दे ननद, कहत है नहीं ले भौजी उतना ही दिखाई दे, जब उतना बना के भौजी दे थी तो ननद इतनी झरही हुआ थी क्योंकि हम अहिं से जानी लाल जी का जाने। वाह भैया, तब लगाए दे तर्जवा तो हम बा क्या करे ननद से लाचार कर गई। अरे बा, अरे लिखी के कागा जावा पे ए चित सीता रानी ना हो, अरे नाना दा का देहली थमाई का बहु नाना दिया के, अरे यौली नादारा दिया हो,
भैया का दहली देखा हाँ भैया ये हर जब चित्र बनाए के अंगूठा के दिन बाबूजी तो ले जाए के पूरा टुका भी बना ली अब बनाए के ऊपर ले जाए के भैया के दिखावत है कि भैया ये बतावा सीता बड़े इतना बन बन भटकत रहा लेकिन रमणवा के लगे से लिया जरूर है लेकिन पूरा चित्र बनाए के सीता माँ भाभी अपने सीना में लपटाए के ओका हमेशा देखत रहा थी यार दासी ना भूली बा हाँ भैया तो ओकरे बाद भगवान गुस्साए गे तेरी है करेजा बाबा अरे नगिनिया काली शांता हो गई बा भैया अरे तया लहर नहीं भर दिया जहर से प्याली नगिनिया काली शांता हो गई तो देखे भैया अब वही लाल जी से सुने कि लक्ष्मण का शेष नाग बताओ एक तो सब ही जानत बाटे लेकिन लक्ष्मण का बुलाए कि भगवान कहत का है भैया भैया कहे श्री भगवान लखड़ से भैया हमारे उठे जला गए को पतिर भवन धनु धारी एक नहीं माना मोर कहा भोर निंद्रा सीता दी गई एक नहीं माना मोर कहा अरे गए को पतिर भवन धनु धारी अरे गए को पतिर भवन धनु धारी हाथ काट के लावा लक्ष्मण कहा था भैया का कहा था सीता माता का अलग लगावा था माँ ऐसी बाटी ना आई लेकिन बहनी के बाद के भगवान मान ली हम कहन जोन हम कही ओके करा तुम्हारे समझ में कुछ आए ना कर्जवा लगावा हाय हाय अरे कब आई हाय ना नदी तोहार बिरना कब आई हाय ना नदी तोहार बिरना भौजैया पूछा ली ना नदिया से भौजैया लक्ष्मण अपने भैया से कहत कहा बहुत दुख में हो गए अरे राजन ही जाने तोहार बिरना ये राजन ही जाने तोहार बिरना छोटे भैया पूछे पड़े भैया भैया राज तू जान न पूजा जोन हम कही ओका माना लेकिन लक्ष्मण के कुछ समझ में ना आवत है को हर भौजी के हाथ काटे के हर भैया के बात काटे कहा भगवान लखड़पाड़ा बाकरा नावा भगवाना पौदसिया जाके छोड़ा बनावा
चली भय जवान नवान लखड़ बिरना ये चली भय जवान नवान लखड़ बिरना छोटे भैया पीछे बड़े छोटे भैया दर्जवा बदल के बा करे जा। अब काय करे लक्ष्मण के भैया के बात काटाई तुहर भौजी के हाथ काटा लेकिन भैया के बात गठिया के चल दही लेकिन आंसू बहत बा ठीक हो भाई दर्जवा बदल के बा करे जा काबा बताई अरे जिया करे जा अरे ढूरी ढूरी पहाली बायारिया ना हो चाले ठंडी फुहार लेकिन बहुत खुशी में सीता पूरा 16 श्रृंगार साजत है यार धन भाग के इनके भैया हमके वन घुमावे बरे जंगल दिखावे बरे पटवत हैं वाह भाई वाह अरे सीता साजई अरे सीता साजई 16 श्रृंगार रवाना हो करे चली बन बिहार सीता साजई 16 अब हर रात को बैठ के यहाँ और साज एक तरह तैयार भैया हैं तो काय काय साजा थी अरे करम का नाना सोहे का टकारा धनिया लहुरा देवा रवाना हो कर चली बन बिहार बाबूजी रथ लक्ष्मण हाके जात हैं अब बड़े खुशी के साथ सीता माँ बैठी हैं और आगे आंसू को धारा लक्ष्मण के भात करके सीता माँ का पता ना था बड़ी खुशियाली मनावत है जब आगे देखिन तो अपन रुमाल से आंसू पोछिन तो कहन भैया तू रोवत काहे बात है कहन हम रोवत नहीं ना तेज में रथ जात बा होए हवा के धोखा से आंसू गिरत बा लेकिन तर्जुआ बदल के करे लगा जा लाल जी तनी के तर्जुआ सीखे जा वाह भैया तर्जुआ होए बा कहत हैं विधाता हम काव बिगाड़े रहे जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर डाल दिया ना मेहर को हो सही नोहर को हो अरे जिया करे जा वाह तर्जुबा का अरे मोरे पछवार भाई एक मोरे पछवार भाई एक अरे भूरैया का घोसलावा हे भौजी तू तू बोले ओ भैया ए भौजी तू तू बोले अरे तब से भयल भोरा भी न सारा चिरैया तू बोले ए भैया भोरा भी न सारा चिरैया तू बोले
मर्जवा का बा लक्ष्मण रोवत कहे बजे कहत का है ठीक है अरे हाय हो विधाता छोटी जहरवा कैसे हाय हाय दवारा वा तोहारई तर्जवा रहा करेगा एक मर्दवा का बा रोए चुपत नाने लक्ष्मण रथिया बढ़ा महिला खड़ धारी धारी लोरावा और चमके सिया जी जैसे चमके सिया जी जैसे चाँद के चकोरा चमके आजी जैसे चाँद के चकोरा चमके आजी जैसे बड़ी खुशी में चली जात हैं चमकत चाँद के चकोरा की नहीं अब कहत का हैं बड़ी खुशी में कि इस जंगल तक कभी जिंदगी हम देखबे हाय 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 वन का शोभा के बहु ना दे वाह भाई अरे बन कई डगरिया भैया बन कई डगरिया भैया बहुत ही सुहाई जहरवा कैसे जहरवा कैसे अरे खई है दवारा वा तोहारई कहते हैं रोवत चला जाते हैं कि बाप रे बाप ये जहर हमसे खावा खाए ले ऐसी अच्छा तो मर जा ठीक है हाय 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 अब हर भैया को बात काटे कि हर भाभी के हाथ काटे क्या काटी लेकिन हमसे हाथ काटा जाए ना ऐसी अच्छा महीन और हर भैया के लगे जाब ना हर बहुत कुछ ही कि हाथ काट के आया कि ना आया लिया भैया कजरे के तरह लगा दे करेंगे बाबा लहरावा लहरावा हाय हाय रथे पर सोवत जात है मार खुशी की नींद में उनका नींद ही ना टूटत वो लक्ष्मण के रोकते चुकत ना अरे निधिया 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 टूटे ना साजनावा चिरही बोलई होला कहत हैं कि हमारे बस के बाहर बा लक्ष्मण कहाई न हम से होई नरके मादहिया धोई होते नरके होया रोए पीना मोसे जई हैं जिसका थाली हो भाऊ हरे
नासी गिरत बा लक्ष्मण का वहा सीता माँ देख ही गयी। जब सीता माँ देख गयी बाबूजी तो कहत है कि अगर हम तो बताए होते इतनी देर तो होकर रोवे न दे। अगर भैया के पास बता हाथ काट के ले जाए के लक्ष्मण ठान लिया यहाँ मन में अपन प्राण गवाई बन में हो आपन अरे छन में कहीं सिया कर छन में कहीं सिया कर गाना जन दुलारी हो देखे बाबूजी सीता मारो की कहा थे कि जोन हम कहा थे वही के माना। अब लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहा थे भैया के बाद जी काटा हाथ काट के ले जाए कि दे जा तो अल्लाह का तर्जा लगा दे करेगा कहते हैं भौजी हमसे होए नहीं भैया भैया। अरे बीनी बीनी लकड़िया लक्ष्मण सीता वासा जाऊ मेरे भैया अरे हथवा ना कट भाई अपने सीता माता कर भैया हथवा ना कट भाई अपने सीता माता कर भैया हथवा ना कट भाई अपने सीता माता कर भैया चाहे सूरज पूरब से पछिम हो जा बाबूजी ओहर जब लक्ष्मण अपने मन में ठान ले हैं ते हर फरकते बैठ के बजरंग बली देखत रहा है और हर शंकर जी देखत रहा है अब बर्दाश्त के बाहर होत बा अब भगवान जनते ही बाटे लेकिन ओहर जाए के नारद जी नारायण 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 तो जाए के स्वयं यहाँ तो भगवान के लीला हबे के रही लेकिन जाए के खुद वहाँ प्रकट हो गए। अरे रूप भी सकारा माता हरि जी बना मेरे भैया अब पहले वही बनवा में जा पाओ अरे कौने हो कर नवा चितावा सा जाऊ मेरे भैया भैया कहा थे नहीं बतावा इतनी सुंदर शरीर तू कौने कारण जलावे जाता है पहले भेद बतावा तो कहा थे नहीं हमका जवन हमका सुझान बतवन करेगा अब हर भैया का बात काटे की हर भौजी का हाथ काटे तो कहा थे कि ये कत्ते ही हो न देवे ओहर शक्ति शंकर जी के लगी बा ओहर हनुमानव जी के लगी बा ओहर भगवानो अपन को मिला था कि अब देखा हमार बात नहीं काटत है भैया जात है अब यार तनिका कुछ माया फैलावे पर बई गई अरे गईले वही बनवा में जा पा हो या अरे माया का हथवा एका हरि जी बनाऊ मेरे भैया माया का हथवा एका हरि जी बनाऊ मेरे भैया माया का हथवा एका हरि जी बनाऊ मेरे भैया एला मोरे कहत है लक्ष्मण अपन प्राण जी कमावा माया का हाथ बनाए के दे दिन कि जाई है सीता माँ का हाथ बताए के अब खून तरतराए के तुवत रहा है जाए के अपने भैया का थमा जा यार तोरे भौजी को बात रह जाए और हर तोरे भैया को बात रह जाए अरे जिया करे जाए वाह भैया अरे माया का हाथ हवा
कर तर खुनवा तू एला मोरे पा। अरे रूप वही हाथ वाला आई के आवाधा पूरी गई ले रे भैया। अरे वही हाथ वाला आई के अवधपुरी गई ले की देले बीरनवा का अपन है था। ए भैया आखिर तेरी है करे जा राम आधार भुल्लूर दादा की हौ है लेदारी। अरे गजानंद राधे श्याम की हौ है बलिहारी हो लड़की सरसोत नगिनिया काली शांता हो गई। अरे नगिनिया काली शांता हो गई। अरे तुझाया लहर नहीं भर दिया जहर से प्याली नगिनिया काली शांता हो गई। बदल जाता आँखों में रुकते नहीं है आँखों में रुकते नहीं है निकल जाते हैं आयना आयना वही रहता बदल जाता जाना ही चढ़ी जाई में लबा हट जाना ही।